तो फ्रेंड्स, आज भटूरे बनाएंगे हम घर पर बिल्कुल आसान तरीके से। ये फूले फूले भटूरे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने 2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी या कोई ऑयल, और गरम पानी से हम इसको हल्का गुनगुना पानी से हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो डो हमारा बनकर तैयार है। अब इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे डो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, डो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी लोइयों को तोड़ लेंगे। अब हम इसको हल्का सा घी लगाकर बेलेंगे। तो इस तरह से हम अपने भटूरे बना लेंगे। पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो इस तरह से हमारे भटूरे देखिए बनकर तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हम भटूरा तैयार कर लेंगे। दूसरा भी देखिए, इस तरह से हम भटूरे को बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे भटूरे बना लेने हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो हम इसमें इसको डाल देंगे। अब इसको हम पलट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा भटूरा बिल्कुल तैयार है, फूल गया है। हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसको दोनों तरफ से सेंक लेंगे। दूसरा भी डाल देंगे और हल्का सा कलछी से दबाते हुए देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारे भटूरे बना लेने हैं। तो इसे हम छोले के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।